वो लड़का यहाँ क्या कर रहा था? मुझे नहीं मालूम। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो तुम। वो लड़का आज के बाद तुम्हारे आसपास नजर नहीं आना चाहिए। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा, वार्न कर रहा हूँ। फिर मैं तो नहीं आती किसी की वार्निंग में। मतलब तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि मैं सब कुछ बर्दाश्त करता रहूं? तो ना करें ना बर्दाश्त। मैं वैसे भी आपसे साफ साफ कह चुकी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनो तुम। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा हूँ? ये सिर्फ अम्मी की ख्वाहिश थी और कुछ भी नहीं। वरना तुम उसको, तुम्हारे दो टके कजिन है उसके साथ जाके शादी करती, मुझे क्या परवाह। ना करे परवाह। किसने कहा है आपसे कि रोज ड्राइवर बन के मेरी जासूसी करने के लिए? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी जासूसी? तुम्हारी जासूसी अगर मैंने करनी होती ना तो और बहुत से तरीके तुम्हें पता भी ना चलता। तो अम्मी ने मुझे भेज दिया था कि ड्राइवर नहीं है तुम्हें पिक कर लूंगा, पर ना मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें पिक करने का। अगर शौक नहीं है तो शादी के ये ख्वाब क्यों देख रहे हैं आप? मोहब्बत के तहत तो बहुत शादियां होती है, लेकिन कुछ शादियां ना नफरत को जिंदा रखने के लिए करनी पड़ती है। ये बहुत ख्वाहिश है, एक दफा तुमसे शादी हो जाए ना तुम्हारी ऐसी अकड़ खत्म करूंगा, तुम्हें कंट्रोल करके अपने पास रखूंगा। ओ रियली? अगर ये शादी आप इसी हसरत में कर रहे हैं ना कि आप मुझे कंट्रोल करेंगे, तो ये ख्वाब दिल से निकाल दें, ये नहीं पूरे होने वाले। ये तो वक्त ही बताएगा। ये तो वक्त ही बताएगा। और ये जो शादी के लिए आप इतने एक्साइटेड हो रहे हैं ना, कहीं ऐसा ना हो कि निकाह के दिन एन मौके पर मैं इनकार कर दूं। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, क्योंकि कलम, काजी और कागज के अलावा ना मैं गन भी अपने साथ लेकर आऊंगा। तुम बिल्कुल किसी खुशफहमी में ना रहना, क्योंकि दुश्मन पे वार करते हुए ना मेरा निशाना चूकता है और ना मेरे हाथ कांपते हैं। देखेंगे देखेंगे। और सब्सक्राइब करें AOI डिजिटल का यूट्यूब चैनल अपना फेवरेट ड्रामा देखने के लिए।